और ये भाजपा के लोग उसके पास कोई मुद्दा है बताओ? कोई मुद्दा नहीं है। केवल क्या बात करता है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कश्मीर पाकिस्तान। अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई? हमको झारखंड से लेना देना है, घर के लोगों से लेना देना है, उनकी तरक्की हो, उनका विकास हो। बताओ केंद्र में बैठे हुए लोग, देवघर की लोगों के लिए आपने क्या किया? ये पर्यटन स्थल इतना बड़ा बन सकता था देश के नक्शे में आता, लेकिन भाजपा के लोगों ने कोई जोर नहीं लगाया। क्या स्थिति बनी हुई है पर्यटन? अगर इसको अच्छे से शुरुआत किया जाए तो कितना लाखों भाइयों को यहाँ नौकरी रोजगार मिलेगा, व्यवसाय खोलेगा, जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए। इन लोगों ने केवल सौतेला व्यवहार किया है, केवल नफरत की राजनीति की है। वो लोग तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। वो नफरत फैलाते हैं, प्यार फैलाते हैं। हमारी अनेकता में ही एकता है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने अपना खून बहाया है, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। आज आपस में लड़ा करके कहां ले जाना चाहते? क्या मिलेगा आपसे? हम लोग एक रहेंगे। उत्तर भारत का लोग, कश्मीर का लोग दिखने में अलग है, तमिलनाडु चले जाइए तो अलग है दिखने में, महाराष्ट्र गुजरात चले जाइए तो अलग है, बंगाली भाई लोग अलग है, नॉर्थ ईस्ट के भाई लोग अलग है दिखने में, सबका खाना पीना अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है। तब ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या गुजरात से लेकर के आपका नागालैंड तक चले जाइए, हम लोग पूरा देश है। यही ना अनेकता में एकता है, इसी को ना महानता कहलाया जाता है। आप लोग नफरत फैलाओ, ये भाजपा के लोगों के जुबान से कभी भी नौकरी और रोजगार की बात नहीं सुनोगे, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं सुनोगे, दवाई अस्पताल की बात नहीं सुनोगे। ये लोग क्या करते हैं? केवल लड़वाते हैं। बड़का बड़का बात करते थे लोग, झारखंड के लोगों ने एमपी भी इतना जिता करके भेजा, कितना केंद्र मंत्री बन गया भाजपा का लोग, कितना जगह का वर्दार बन गया। क्या किया? क्या जिस हिसाब से झारखंड सबसे ज्यादा अगर कोई शासन किया पूरे झारखंड प्रदेश में तो भाजपा के लोगों ने शासन करने का काम किया, लेकिन क्या किया? आज जब आर्थिक न्याय की जरूरत है तो लोगों को ठगने का काम किया। कितना महंगा कर दिया हर एक चीज, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, लोगों को तकलीफ है कि नहीं है। अरे वेबसाइट से लेकर के हर कोई भाजपा से परेशान, हर कोई। इस बार आप सब लोग एक होकर के झारखंड के हित के लिए, अपने तरक्की के लिए, आप अपने भविष्य के लिए एक सुनहरा भविष्य बने, उसके लिए आप लोग मतदान करने का काम कीजिए, एक इतिहास रचने का काम कीजिए। हम लोगों ने बिहार में सरकार बना तो 17 महीने में देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया, झारखंड के लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाजपा बनाओ, झारखंड बचाओ, भाजपा बनाओ, देश बचाओ। ये भाजपा के लोग बड़का झूठा पार्टी है, ये लोग केवल झूठ बोलता है, ये लोग इतना झूठ बोलता है कि इनके पापा वार उगवा देते हैं रशिया यूक्रेन। बता रहे भाई क्या क्या नहीं होता, कितना झूठ बोला जाता, लेकिन हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे,
ना आपको 15-15 लाख रुपया खाते में मिला, ना 2 करोड़ नौकरी हर एक साल मिला, आज 11वां साल चल रहा है ना भाई, 22 करोड़ नौकरी कहां गया? कोई पूछ रहा है? रेलवे में बहाली निकलता था, सेना में बहाली निकलता था, क्या हो गया? सब चौपट हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? कौन योजना लाया भाई? अगली महीने होने वाले लोग लाया। अरे इसको खत्म करना चाहिए योजना में, जो भाई हमारा जाएगा वो केवल जो कितना दुख लेगा, 4 साल में बाहर। अब 4 साल बाद क्या करेगा? क्या करेगा? 4 साल तो ट्रेनिंग लेते लेते जब तक ठीक ठाक हो जाएगा जवान, लड़ाई लाभ तल रिटायर, पेंशनों में मिलेगा। अब भाई हमारा शहीद हो गया देश की रक्षा में, तो उसको शहीद का दर्जो नहीं देगा ये भाजपा की सरकार। पैरामिलिट्री फोर्स है, CRPF है, CISF है, SSP है, सब मिलिट्री का लोग है। आज ये लोग शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हम लोग चाहते कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भी शहीद का दर्जा मिले, ये काम होना चाहिए। इसलिए ज्यादा कुछ आप लोगों से हम कहेंगे नहीं, आप लोग होशियार लोग हैं। हम सब लोगों से कहना चाहेंगे कि भाजपा केवल अपना हित चाहती है, देश का हित नहीं चाहती, झारखंड का हित नहीं चाहती है। वो केवल चाहती है कि सरकार में